नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने इस YouTube चैनल जीवन जीने की कला में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सभी जानेंगे, एक्ने की समस्या हो या मुहासे की समस्या हो, दाग धब्बे हों चेहरे पर या झाइयाँ हों, झुर्रियाँ हों, उनको जड़ से समाप्त करने के बारे में, चाहे वो ब्लैक हेड्स हों या व्हाइट हेड्स हों, इन सभी को जड़ से समाप्त करके आप अपने चेहरे के कलर को भी निखार पाएंगे। 5 तरीके हम बताएंगे जो कि हमारे घर में औषधियाँ मौजूद होती हैं, इनका सिर्फ इस्तेमाल करना है और आपके चेहरे की सारी जो प्रॉब्लम है, स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, वो जड़ से समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, होता क्या है कि हम सभी घरेलू औषधियों के उपयोगिता को समझ ही नहीं पाते हैं और एक्ने वगैरह ऐसी समस्या है कि इसको आप दवाओं से नहीं ठीक कर सकते, क्योंकि ये आपके लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारी है। इस वजह से अगर आप घरेलू औषधियों से इनको खत्म करना चाहेंगे तो जड़ से समाप्त कर सकेंगे। लेकिन होता क्या है कि टीवी पर इतने महंगे महंगे विज्ञापन आते हैं, एड्स आते हैं कि फेस पर ये क्रीम लगाओ ऐसा हो जाएगा, ये क्रीम लगाओ ऐसा हो जाएगा, इस वजह से हम सभी अप्लाई करने लगते हैं बड़े बड़े एक्टर्स को देख करके या बड़े बड़े लोगों को देख करके। लेकिन जब उनका बिहाइंड स्क्रीन में जा करके देखेंगे आप कि वो क्या बताते हैं, तो कहेंगे कि हम स्किन पर साबुन तक यूज नहीं करते हैं। आप सोच करके देखिए, वो खुद इस्तेमाल नहीं करते हैं, बस एड्स के समय पर जब विज्ञापन होता है तभी वो आपको बताते हैं। इसीलिए घरेलू औषधियाँ सबसे बेस्ट होती हैं और साबुन डायरेक्ट फेस पर तो अप्लाई भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो नुकसान होता है। तो बात कर रहे हैं हम सभी एक्ने के संबंध में। एक्ने एक बहुत ही सामान्य त्वचा की बीमारी होती है। एक्ने टीन एज में यानी कि 13 से 19 वर्ष की जब उम्र होती है, बच्चे हों या फिर बच्चियां, यानी कि लड़के हों या लड़कियां, दोनों को ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस समय पर बॉडी में हार्मोनल चेंजेज होते हैं, बदलाव आते हैं, इस वजह से असंतुलित रहता है हार्मोन्स का जो लेवल है वो बॉडी में, इस वजह से मुहासे की समस्या ज़्यादा होती है टीनेज में या एक्ने की। हमारी त्वचा के हेयर फोलिकल्स जब डेड सेल्स या त्वचा पे मौजूद ऑयल या तेल के कारण बंद हो जाते हैं, यानी कि हमारे जो रोम छिद्र हैं वो बंद हो जाते हैं, तब खुद ब खुद मुहासे उत्पन्न होने लग जाते हैं। एक्ने की वजह से ब्लैक हेड्स की समस्या होती है, व्हाइट हेड्स की समस्या होती है, यानी कि अक्सर देखा होगा आपने कुछ लोगों के नोज के आसपास व्हाइट हेड्स, यानी कि उजला उजला कुछ छोटा छोटा दाना दाना सा हो जाता है या फिर ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है, इसे ही ब्लैक हेड्स या फिर व्हाइट हेड्स कहते हैं। ये होने के साथ साथ किल मुहासे होंगे, फुंसी होगी, ये सभी आपके चेहरे पर, माथे पर, पीठ पर और छाती पर भी होती है कई लोगों के, और बहुत से लोगों के फेस पर ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। देखा गया है कि 10 में से 8 लोगों को ये बीमारी ज़्यादातर 12 से 24 वर्ष के बीच होती है, यानी कि अगर 10 लोगों में से 8 लोगों को आप देखेंगे तो उनकी उम्र जब 12 वर्ष से लेकर के 24 वर्ष तक की होती है तो इस बीच में होता है। आमतौर पर 20 से 30 वर्ष के होते होते ये बीमारी ठीक होने जाती है, यानी कि ये प्रॉब्लम सोल्व होने लग जाती है। पुरुषों में 30 साल की उम्र के बाद भी ये बीमारी रह सकती है थोड़ी बहुत, पर औरतों में 30 से 35 के बीच में ही ज्यादातर ये ठीक हो जाती है। जो लोग अपने रंग रूप पर काफी ध्यान देते हैं उन लोगों के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात हो जाती है जब शरीर पर एक्ने की, मुहासे की समस्या होती है। तो ये कई प्रकार के होते हैं, इसके डिटेल में नहीं जाते हैं, नहीं तो बहुत समय लग जाएगा आपका। अब हम डायरेक्ट आप जो जानना चाहते हैं, इलाज जानना चाहते हैं, वो जान लेते हैं। इसके लक्षण आप सभी पहचानते हैं कि ब्लैक हेड्स हों या फिर त्वचा पर पिंपल्स हों, इसमें हमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप समझते हैं। आइए जानते हैं घरेलू इस्तेमाल के बारे में, कैसे आप इसे ठीक करेंगे। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखिएगा, गलत खान पान न रखिएगा, यानी कि ज़्यादा तैलीय चीज़ों का सेवन बंद कर दीजिएगा, घी ज़्यादा मत खाइएगा, बाहर का खाना ज़्यादा ना खाएं, पानी पर्याप्त मात्रा में जरूर पिएं, और कब्जियत की शिकायत है तो उसे दूर रखें, क्योंकि इस वजह से भी एक्ने की समस्या होती है और साफ सफाई की वजह से। इसके बाद आइए बात करते हैं कि घर पर कैसे आप कुछ एक औषधियों के उपयोग से इन सभी समस्याओं को जड़ से समाप्त कर सकेंगे। सबसे पहले तो आपने सुना होगा मुल्तानी मिट्टी के बारे में। मुल्तानी मिट्टी और चंदन की आपको बराबर मात्रा लेनी है, जितना मुल्तानी मिट्टी लेना है, यानी कि 50 ग्राम आपने मुल्तानी मिट्टी लिया तो 50 ग्राम ही चंदन ले लीजिए, लेकिन 25-25 ग्राम भी लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। इसको क्या करना है, आपको रोज वाटर में मिला करके पेस्ट बनाना है। ध्यान रखिएगा, पानी से मत बनाइए, रोज वाटर से इसका पेस्ट बनाइए। इस फेस पैक को आपको अपने चेहरे पर लगाना है और सूखने तक आपको इंतजार करना है, फिर इसे ठंडे पानी से धो लेना है। इस प्रक्रिया को
आपको हफ्ते में एक बार करना है, आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपको राहत मिल जाएगी, आपके स्किन की जितनी भी समस्याएं हैं सब जड़ से समाप्त हो जाएंगी। दूसरी औषधि जो है वो जान लीजिए क्या है। अगर आपके पास ये उपलब्ध नहीं होता है, मुल्तानी मिट्टी और चंदन का जो पेस्ट होता है वो, इसके अलावा आपके पास नहीं है गुलाब जल, तो क्या करें, नींबू का रस लें। जी हाँ, नींबू की एसिड प्रॉपर्टी जो होती है वो एक्ने को ख़त्म करने में मदद करती है। आपकी त्वचा के पोर्स में जमी हुई मैल को नींबू पूरी तरह से साफ कर देता है। नींबू के रस को आपको रोज वाटर में मिला लेना है और इसे अपने चेहरे पर लगाना है और चेहरे को इससे धोना है। अपने पिंपल्स पर नींबू का रस लगा के कुछ घंटों तक छोड़ दीजिए आप, बाद में साफ पानी से चेहरे को धो लीजिए। इससे कोई नुकसान भी नहीं होगा और ये आपको सस्ता भी पड़ेगा और नेचुरल भी है, आपको कोई हानि नहीं होगी। लेकिन यही जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, आपको अलग अलग दवाइयां मिल जाती हैं, आप खुश हो जाते हैं, लेकिन उनका साइड इफेक्ट भी होता है। तो इसीलिए बेस्ट है कि आप इन घरेलू औषधियों को अपनाएं, अपना करके देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। इसके अलावा टिट्री ऑयल भी बेस्ट इलाज के रूप में कार्य करता है। जी हाँ, तीसरी औषधि है ये। टिट्री ऑयल आपके पोर्स को साफ करके इन्फेक्शन से बचाता है। यही नहीं, ये एंटीसेप्टिक की तरह से कार्य करता है और उस बैक्टीरिया को खत्म करता है जिससे आपको एक्ने की समस्या होती है। तो दिन में 3 बार पिंपल्स पर आप ये ऑयल लगा सकते हैं। टिट्री ऑयल को आप एलोवेरा जेल में मिला करके भी लगा सकते हैं, फिर आपको 100% लाभ मिलेगा। अगर ये सब भी नहीं है तो आलू का रस लगाइए। जी हाँ, आलू को पेस्ट बना लीजिए, इसके बाद उसे एक कपड़े की मदद से आप निचोड़ दीजिए, उसमें से रस निकल जाएगा। इस रस को आपको पिंपल्स पर लगा करके छोड़ देना है और कुछ देर के बाद पानी से अपने मुंह को धो लेना है। आलू के रस को आप आइस क्यूब की तरह जमा करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आप फ्रीजर में रख देंगे, जम जाएगा और उसको आप स्किन पर लगा सकते हैं, इससे भी आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। अगर आपको पिंपल्स वगैरह की समस्या है तो बेस्ट तरीका है। इसके अलावा संतरे का छिलका, जी हाँ, पांचवा यह है बेस्ट तरीका कि संतरा खाइए तो उसके छिलके को फेंकिए मत। संतरे के छिलके को पानी के साथ पीस लीजिए, उस पेस्ट को पिंपल्स पर लगा लीजिए और सूखने तक छोड़ दीजिए, ठंडे पानी से मुंह को धो लीजिए। इस पेस्ट को आपको हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार लगाना चाहिए, इससे आपको 100% लाभ मिलेगा। अब कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दे लीजिए। पानी की पर्याप्त मात्रा का सेवन जरूर कीजिए। बाहर से जब भी घूम करके आइए, स्किन पर पानी जरूर मारिए, यानी कि फेस पर पानी जरूर मारिए, फेस को जरूर धोइए। फेस को जब भी आपको पोछना हो तो डैप डैप करके पोछिए, कभी भी रगड़ करके घिस करके मत पोछिए, डैप करके पोछिए। नहाते वक्त साबुन डायरेक्ट फेस पर अप्लाई मत कीजिए, आप अपने पहले हाथों में साबुन लगा लीजिए, जब झाग बन जाए उसको फेस पर लगाइएगा, लेकिन डायरेक्ट साबुन या शैम्पू अप्लाई मत कीजिएगा स्किन पर, क्योंकि बहुत सेंसिटिव होती है, आपकी स्किन इससे खराब होती है। इन बातों का ध्यान रखेंगे या रखेंगी तो आपकी स्किन खूबसूरत रहेगी और जमा रहेगी, और हमारी यही चाहत भी है। अच्छा, अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल रह गया हो, आप देखिए इतनी औषधियाँ ही बेस्ट हैं, इसमें चाहें तो आप थोड़ा सा हल्दी मिला सकते हैं, हल्दी बहुत अच्छी औषधि है, या नीम की 2-4 पत्तियाँ मिला सकते हैं, जैसे एलोवेरा में भी मिला सकते हैं, किसी भी में मिला सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। आप नीम की पत्तियाँ लगाएंगे उससे आपको फ़ायदा हो जाएगा, एलोवेरा जेल लगा देंगे उससे भी आपको फ़ायदा हो जाएगा, और कुछ मिलाने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए बेस्ट तरीका है इन्हीं चीज़ों का प्रयोग करें, आपके स्किन से एक्ने की समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगी। एक्ने में हमने आपको बताया कई चीज़ें आ जाती हैं, जो कि बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि पिंपल्स की समस्या हो गई, खुजली हो गई, दाद, खाज, ये सब जड़ से समाप्त हो जानी है। आपके स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम है, बस आपको पानी पर्याप्त मात्रा में पीना है, और जब आपको लगे कि ज़्यादा समस्या आ रही है तो आप नीम की पत्तियाँ ले आइए लगभग 20 से 25, और उनको पानी में उबाल करके 1 कप, और उस 1 कप पानी को सुबह सुबह खाली पेट पी लिया कीजिए सप्ताह में 1 बार, आपके स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो जड़ से समाप्त हो जाएंगी। तो ये आज की वीडियो रही, ऐसी ही नई वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं, तो ऐसी नई वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ आप सभी जब वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते हैं हमें बहुत खुशी होती है। तो अपने और दोस्तों को फिट रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए जरूर वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। कमेंट आपका बहुत वैल्यूएबल है हमारे लिए, सो प्लीज कमेंट कीजिए। इसके बाद आज की इस वीडियो से विदा लेते हैं, जुड़ेंगे नई वीडियो में, तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।